तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं, आज हम डिस्कस करें नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के चलते अर्थ के चलते जो एसेलेरेशन प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू कितना होता है मैथमेटिकली हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। आप जानते हैं कि एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, यदि कोई बॉडी हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत नीचे आता है और उसके अंदर जो एसेलेरेशन प्रोड्यूस होता है दैट एसेलेरेशन का एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चूंकि वो एसेलेरेशन अर्थ के द्वारा प्रोड्यूस होता है इसलिए उसको बोलते हैं एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको मैंने पहले बताया था इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एफ इक्वल टू एम जी एम वन एम टू, कैपिटल एम ले लेते हैं स्मॉल एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बाई में आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल एम इक्वल टू मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास होता है स्मॉल एम इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास होता है एंड जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कांस्टेंट एंड आर जो है रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ होता है ये जो है अर्थ का। और साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि मास जो होता है अर्थ का मास ऑफ द अर्थ लगभग 6 × 10^24, तो मास ऑफ द अर्थ अगर हम बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा 6 × 10^24 केजी होता है। ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है, मैंने इसको बताया था कि 6.7 × 10^-11 न्यूटन मीटर उसका पर केजी होता है। तो इसको हम वैल्यू लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल का कि 6.7 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है, ये जो है ग्रेविटेशन न्यूटन मीटर का पर केजी स्क्वायर, और रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 × 10^6 मीटर ये भी केजी स्क्वायर होता है, और ये आपका होता है 6.4 × 10^6 मीटर, ये जो क्या होता है रेडियस ऑफ द अर्थ। ये न्यूमेरिकल वैल्यू जनरली आपको याद होना चाहिए, 6.4 × 10^6 मीटर रेडियस ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ 6 × 10^24 केजी होता है एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू जो है 6.7 × 10^-11 होता है। ठीक, ये आप देख सकते हैं -11 वैल्यू उधर होता है, ठीक 6.4 × 10^6 एंड 6.7 × 10^-11 न्यूटन मीटर उसके ऊपर केजी स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ ये सारे इन्फॉर्मेशन है जनरली आपको याद होना चाहिए तभी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना, और इन सब की वैल्यू फिक्स होता है कभी चेंज भी नहीं होता है। अब साथ ही साथ आपको न्यूटन सेकंड लॉ में भी आपको बताया गया होगा एफ बराबर एम इन टू ए, ठीक, तो यहाँ से अगर हम ए निकालते हैं चूँकि हमें एसेलेरेशन कैलकुलेट करना है इसलिए हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा एफ वाई में एम होता है, और इसलिए इस एफ की वैल्यू उठा कर अगर इसमें रखते हैं तो ए इक्वल टू आपका बन जाएगा, यहाँ से एफ की वैल्यू लिखेंगे जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर, एक ऑलरेडी आपका नीचे एम है तो इस एम से एम चला जाएगा तो ए इक्वल टू जी एम बाई में आर स्क्वायर, ठीक ना, ये हमारा रिजल्ट मिला यहाँ से। ठीक, ये जो रिजल्ट मिला मुझे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारे जो वैल्यू दे रखा है इस कैपिटल एम की वैल्यू, फिर यहाँ स्मॉल एम तो इसमें है नहीं, जी इस कैपिटल जी की वैल्यू, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू, सारे वैल्यू को हम क्या करेंगे वहाँ पर पुट अप करेंगे रखेंगे। ठीक, तो आइए रख के देखते हैं, ए इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 × 10^-11, एम की वैल्यू मास ऑफ द अर्थ 6 × 10^24 एंड आर की वैल्यू जो हमारा होता है वो हो जाएगा 6.4 × 10^6 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 6 में इसका मतलब 6 से बन जा 42 कैरी 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 से 36 और 4 40 हो जाएगा, और एक नंबर में पॉइंट लग जाएगा इतना, 6.7 में 6 का मल्टीप्लाई किया। अभी देखिए 10^-11 10^12 दोनों का पावर ऐड करेंगे, -11 ना 12 24 है +24 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे 6.4 में अगर 6.4 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 4 या 16 1 4 6 या 24
एक 25 और ये जाएगा 6 4 24 टू और 6 6 36 2 38 6 9 10 और 1 3 1 4 दोनों पॉइंट लग गया तो नीचे आपका आ जाएगा 40.96 और हो जाएगा 10 की पावर 12। ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा एंड दिस कैन बी रिटन एज 40.2 × 10⁻³⁰ (24 − 4, 3 and 1) = 13 / 4.96 × 10⁻½ एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 40.2 × जब इसके ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा 13 + 13 + 13 × 10⁻½ बाय में 4.96 और इसको सॉल्व करेंगे 40.2 × 10⁻⁴ ओके एंड ऑन सॉल्विंग दिस वी ऑब्टेन 9.8 m/s². दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा हो जाएगा 9.8 m/s और चूंकि अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है अर्थ के द्वारा उस एक्सेलरेशन को जनरली हम जी से डिनोट करते हैं देन ए कैन बी रिप्लेस बाय जी एंड जी इज इक्वल टू 9.8 m/s². दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके तो अब इस वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।